और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती, तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। हम सब जानते हैं कि जहां भी कानून व्यवस्था मजबूत होती है, वहां रोजगार की संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। जहां भी बिजनेस के लिए सुरक्षित माहौल बनता है, वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश तो एक प्रकार से टूरिज्म के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। अनेक तीर्थ क्षेत्र है, हर परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ है। जब कानून व्यवस्था मजबूत है, ऐसी खबर देश के कोने कोने पहुंचती है, तो उत्तर प्रदेश में यात्रियों की संख्या भी बढ़ती है। और इन दिनों हम देख भी रहे हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। साथियों, आज यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, यहां हाईवेज का लगातार विस्तार किया जा रहा था। अभी मुझे एक परिवार मिलने आया था, उनके साथ एक बेटी भी थी, तो मैंने इसे पूछा, आप उत्तर प्रदेश से हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो एक्सप्रेस प्रदेश से हूं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। हर शहर से हाईवे को जोड़ने के लिए नई सड़कें भी बनाई जा रही है। विकास की ये परियोजनाएं रोजगार के अवसर तो बना ही रही है, दूसरी परियोजनाओं के यूपी आने का रास्ता भी तैयार कर रही है। यूपी सरकार ने जिस तरह अपने यहां टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, नई सुविधाएं मुहैया कराई है, उससे भी रोजगार की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि लोग क्रिसमस के समय गोवा जाते हैं, गोवा पूरी तरह बुक रहता है, लेकिन इस बार आंकड़े आए हैं कि गोवा से ज्यादा बुकिंग काशी में था। मुझे बहुत आनंद आया। साथियों, अब से कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैंने निवेश